हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता। इसको आप हफ्ते में 4 बार बनाएंगे। इसके आगे पास्ता और मोमोज भी फेल है। बिना ऑयल के बनेगा ये नाश्ता और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में तो और भी टेस्टी लगता है। चलिए आइए हम इस नाश्ते को बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम नमक डाल लेंगे और नमक डाल के अच्छी तरह इसको पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिलाएंगे। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं रोटी सेकने के लिए, वैसे ही इसको लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के ये हमने आटे का डो लगा लिया है। इस पर थोड़ा सा हल्का चिकना करने के लिए ऊपर से इसमें घी लगा देंगे अच्छी तरह, ताकि ये हमारा आटा चिकना हो जाए। ये देखिए, इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। ये बॉयल आलू है, मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया है। 3 आलू बॉयल करे हैं मैंने, इसको ठंडा करके छील लिया है। अब इन आलूओं को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। एक फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है हमको। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें राई डालेंगे। काली वाली राई आती है, हम इसको डालेंगे। और इसमें जो हमने हरी मिर्च डाल देंगे, हमने इसमें एक प्याज काट के रखी थी वो प्याज डाल देंगे हम। अब प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें अपने बेसिक से मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़े थोड़े इसमें फ्लेवर के लिए हम मसाले ऐड कर देंगे। अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार आप नमक डालें और सबको अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें बॉईल किए हुए जो आलू रखे थे, बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। अगर आपके पास मटर हो तो इसमें आप मटर भी हाफ बॉईल करके मटर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अच्छे से आलूओं को मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। अच्छे से आलू हमने मिक्स कर लिए हैं, बनके रेडी हो चुके हैं। इसको ठंडे होने के लिए रख दिया है हमने। जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक हम आइए चलिए बनाते हैं। ये आटा है, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसकी हम छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स कट कर लेंगे, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही हमको छोटी छोटी बिल्कुल बॉल्स इसमें कट करनी है। इस तरीके से आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं ऐसे ही करें। आटा मैंने थोड़ा सा डस्ट कर लिया है। अब इसको हम पूड़ी के शेप में राउंड राउंड बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने राउंड इस तरीके से बेल लिया है। देखिए, पूरी जैसे हम बेलते हैं ऐसे मैंने सबको बेल के रख लिया है।
अब हमने जो आलू मिक्स बना के रखे थे आलू मसाला वाले, अब हम इसमें इसको सबको भर देंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसमें साइड में कॉर्नर में पानी लगा देंगे जिससे ये खुलेंगे नहीं, चिपक जाएंगे आपस में। और इस तरीके से फोल्ड करके इसको हम एक अच्छा सा शेप दे देंगे, ऐसे करें। फिर इधर से भी फोल्ड करें और फिर दोनों साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें। ये देखिए सबको आप इस तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लें, ये इस तरीके से शेप बन जाएगा। ऐसे ही आप सारे बना के तैयार कर लें। ये देखिए मैंने बना लिए हैं, एक बार मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर बना के देखें, बिना ऑयल के है, खाने में भी टेस्टी लगता है और झटपट बन भी जाता है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये देखिए मैंने सब इस तरीके से बना के रख लिए हैं। चलिए आइए इसको हम स्टीम करते हैं। ये मैंने गैस पे स्टीमर चढ़ा दिया था और इसको मैंने धीमी गैस पे 20 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम कर लिया है। अब इसको और भी टेस्टी लुक देने के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। ये खाने में ऐसे भी अच्छे लगते हैं। अगर हम पास्ता और पिज़्ज़ा वाला इसको लुक देना चाहें तो हम इसको फ्राई कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसको इस बीच में से इस शेप में हम कट कर लेंगे। सारे नाश्ते को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब कट करके रख लिया है, जब ये ठंडे हो जाए तभी कट करना है। एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसमें मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है जो खाने के फ्लेवर को और भी बढ़ा देता है। हम डाल देंगे एक चम्मच टमाटो केचप। और एक चम्मच रेड चिली सॉस और आधी चम्मच सोया सॉस। सबको अच्छे से डाल के हम मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो खासकर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबको हम इस तरीके से इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको टमाटो केचप अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सबको मिक्स कर लें और गरम गरम सर्व करें। ये लीजिए हमारा आटे का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार है। इसके ऊपर से हमने हल्का सा नमक डस्ट कर दिया है। इसको
गर्मा गर्म हम प्लेट में सर्व करेंगे और इंजॉय करें। ये नाश्ता आप हफ्ते में 4 बार बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप ज़रूर बना के देखें और अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।